पृथ्वी को फाड़ कर सीता जी प्रकट हुई थी, घड़े से नहीं प्रकट हुई थी। पर यहां भी घड़े वाला जुलूस निकालते तो लोग मैंने डाटक नहीं। हर का फाल सोने के सिंहासन से टकराया था, सिंहासन पर बैठी थी सीता जी 16 वर्ष की अवस्था में, 8 सखियां उनके पास खड़ी थी, ये 9 लोग प्रकट हुए थे बैसाख शुक्ल नवमी के दिन। ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि पानी नहीं बरस रहा था तब जनक जी ने चलाया था। आप बताओ, बैसाख में अवर्षण का प्रश्न नहीं उठता? बैसाख में तो हम मनाते कि भगवान पानी न बरसे, नहीं तो किसानों का गेहूं ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे धर्म के साथ अफवाहें जोड़ी गई, न जाने कहां से मूर्खों ने कहना प्रारंभ किया कि रावण ने ऋषियों का खून इकट्ठा किया था, वो उस घड़े में भरा और घड़ा जनक जी के राज में गाड़ दिया। गलत बात, सीता जी घड़े से नहीं टकराई थी। सुंदर सिंहासन कृतवर आसन, सुंदर सिंहासन टकराया था। अहम किलो स्थिता भित्वा जगति प्रतिनिपते सुता,